ओम जय श्री जगन्नाथम। मित्रों, मैं पपेस आप सभी भक्त जनों को नमस्कार करता हूँ। तो चलिए सुनते हैं अग्नि पुराण की अगला अध्याय। 16वां अध्याय, बुद्ध और कल्कि अवतारों की कथा। अग्निदेव कहते हैं, अब मैं बुद्ध अवतार का वर्णन करूँगा जो पढ़ने और सुनने वालों के मनोर्थ को सिद्ध करने वाला है। पूर्व काल में देवताओं और असुरों में घोर संग्राम हुआ। उसमें दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। तब देवता लोग त्रही त्रही पुकारते हुए शरण मींग गए। भगवान माया मोहमय रूप में आकर राजा शुद्धोदन के पुत्र हुए। उन्होंने दैत्यों को मोहित किया और उनसे वैदिक धर्म का परित्याग करा दिया। वे बुद्ध के अनुयायी दैत्य बौद्ध कहलाए। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से वेद धर्म का त्याग करवाया। इसके बाद माया मोही आर्हत रूप से प्रकट हुआ। उसने दूसरे लोगों को भी आहत बनाया। इस प्रकार उनके अनुयायी वेद धर्म से वंचित होकर पाखंडी बन गए। उन्होंने नरक में ले जाने वाले कर्म करना आरंभ कर दिया। वे सब के सब कलयुग के अंत में वर्णसंकर होंगे और नीच पुरुषों से दान लेंगे। इतना ही नहीं, वे लोग डाकू और दुराचारी भी होंगे। वात्स्नेय बृहदारण्यक मात्र ही वेद कहलाएगा। वेद की 10-5 शाखाएं ही प्रमाणभूत मानी जाएंगी। धर्म का चोला पहने हुए सब लोग अधर्म में ही रुचि रखने वाले होंगे। राजा रूपधारी मलेच्छ मनुष्यों का ही भक्षण करेंगे। तदनंतर भगवान कल्कि प्रकट होंगे। वे श्री विष्णु विशा के पुत्र रूप से अवतीर्ण हो याज्ञवल्क्य का अपना पुरोहित बनाएंगे। उन्हें अस्त्र शस्त्र विद्या का पूर्ण परिज्ञान होगा। वे हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर अम्लेच्छों का संहार कर डालेंगे तथा चारों वर्णों और समस्त आश्रमों में शास्त्रीय मर्यादा स्थापित करेंगे। समस्त प्रजा को धर्म के उत्तम मार्ग में लगाएंगे। उसके बाद श्रीहरि कल्कि रूप का परित्याग करके अपने धाम में चले जाएंगे। फिर तो पूर्ववत सत्ययुग का साम्राज्य होगा। साधु श्रेष्ठ, सभी वर्ण और आश्रम के लोग अपने अपने धर्म में दृढ़ता पूर्वक अलग जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण कल्पों तथा मनवंतरों में श्रीहरि के अवतार होते हैं। उनमें से कुछ हो चुके हैं, कुछ आगे होने वाले हैं, उन सब की कोई नियत संख्या नहीं है। जो मनुष्य श्री विष्णु के अंशावतार तथा पूर्णावतार सहित 10 अवतारों के चरित्रों का पाठ अथवा श्रवण करता है, वह संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है तथा निर्मल हृदय होकर परिवार सहित स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार अवतार लेकर श्रीहरि धर्म को व्यवस्था और अधर्म का निराकरण करते हैं। वे ही सृष्टि आदि के कारण हैं।